हाँ, अभी हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड, अभी हमने पढ़ा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अभी लास्ट लेक्चर हमने ये पढ़ा था, तो अभी हमने पढ़ना है नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या था? सर्टेन कंडीशंस थे, स्टैंडर्ड कंडीशंस, वो क्या था? टेम्परेचर 298 केल्विन होगा इन स्टैंडर्ड कंडीशन में, प्रेशर कितना था? 1 atm था, और क्या था? कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 1 molar था। तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ये क्या? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी में फिजिक्स में पढ़ा क्या? फिजिक्स में पढ़ा था ना, वर्क डन बाय ए सेल इक्वल टू क्या होता है? क्यू इंटू बी, ये हमने निकाला था। क्यू स्टैंड्स फॉर चार्ज एंड वी स्टैंड्स फॉर वोल्टेज, ठीक है। ये क्या चार्ज है, ये क्या वोल्टेज है। अब देखो, चार्ज फॉलोइंग थ्रू एन नंबर मोल्स इक्वल टू कितना होगा? एन क्यूब। वन मोल से कितना, ऐसे वन मोल से कितना पास करता है? 96500। हाँ, उसको हम कहते हैं 1 फैराडे कहते हैं। तो एक एन नंबर ऑफ मोल है ना, तो एक मोल से क्या 1 फैराडे पास करता है, तो एन नंबर ऑफ मोल्स कितना? एन एफ इंटू वोल्टेज, ठीक है। ये वोल्टेज ही क्या है? ईएमएफ ना, एन एफ ई ऑफ से, ठीक है। ये आ गया, तो यहां पर वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय ए सेल इक्वल टू हो जाएगा एन एफ ई, एन एफ ई ऑफ सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। तो ये जो वर्क डन होता है ना, जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था याद करो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हाँ, उसमें मैंने बताया था क्या? अगर सेल सेल वर्क डन करता है, सेल ने अगर वर्क डन किया, हाँ, तो उस केस में क्या होगा? ये स्पॉन्टेनियस होगा, तो ये वाला क्या स्पॉन्टेनियस एक्शन होगा, रेडॉक्सेशन होगा। स्पॉन्टेनियस होगा तो इसका मतलब क्या? डेल्टा जी निगेटिव होगा। तो ये वर्क डन, देखो वर्क डन बाय सेल का मतलब क्या है? सेल सेल खुद बे खुद कुछ काम कर रहा है। हाँ, वो वर्क कौन कर रहा होगा? जो फ्री एनर्जी रहा होगा, फ्री एनर्जी वैसा अमाउंट है जो सेल में रिएक्शन में काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? डेल्टा जी। तो यहाँ पे डेल्टा जी क्या होगा? निगेटिव, ठीक है। तो डेल्टा जी को हम कह सकते हैं माइनस डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा? एन एफ ई ऑफ सेल, ठीक है। ये क्या है? डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ से, याद रहेगा डेल्टा जी क्या है? यही तो वर्क डन बाय सेल ना, क्योंकि जो फ्री एनर्जी आता है वही तो यूज में आता है ना, ये मैंने बताया था। जो फ्री एनर्जी बचता है ना वही यूज में आता है। नहीं, एक एग्जांपल भी लिया था 100 करोड़ वगैरह ऐसे कुछ करके, मेरे पास 50 करोड़ बच गया, तो जो 50 करोड़ बचा
जो अभागी पदार्थ को मैंने यूज किया, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस ऐसा कुछ बताया था ना, ठीक है वो एक बार देख लेना। तो डेल्टा जी वर्क नहीं करे तो डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव है, तो माइनस डेल्टा जी इक्वल टू क्या ये लिख सकते हैं, है तो ये नोट कर लो। गैल्वेनिक सेल क्या स्पॉन्टेनियस होता है, हो गया। तो ये जो ई सेल है ना, ई सेल ये हम कहां से निकालते हैं, एक नया इक्वेशन आता है उसको हम कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन। वो क्या होता है अभी देखेंगे। थर्मोडायनेमिक्स हमने एक टर्म पढ़ा था 11th में, क्या ये डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, एक इक्वेशन था प्लस आर टी एलएन क्यू, क्यू क्या है रिएक्शन कोशेंट, तो यहां पे हम डेल्टा जी क्या लिख सकते हैं माइनस एन एफ ई ऑफ से इक्वल टू, तो हम नर्स इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं ठीक है, और डेल्टा जी नॉट क्या होगा माइनस एन एफ, ये स्टैंडर्ड कंडीशन होगा ना, ई नॉट ऑफ सेल प्लस आर टी एल एन क्यू होगा ठीक है। अब हम सारे जगह एन एफ से डिवाइड कर देते, तो माइनस एन एफ ई ऑफ सेल डिवाइड बाय एन एफ इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल प्लस एन एफ प्लस आर टी बाय एन एफ एल एन क्यूब, ये क्या होगा इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस ई ऑफ सेल इक्वल टू माइनस ई नॉट ऑफ सेल प्लस आर टी बाय एन एफ एल एन क्यू, इसको माइनस सिंपलीफाई कर दो, ये ई ऑफ सेल हो जाएगा, ये ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी एन एफ एल एन क्यू हो जाएगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस 2.303 आर टी
by n f to log 10 क्यूब, ये आ गया नेक्स्ट इक्वेशन। हाँ ये क्या नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हमने ई सेल निकाला, मतलब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हमने इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ सेल निकाला है, ये फॉर्मूला है, इसी को हम कहते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। क्यू दिया जाएगा, आर का वैल्यू कितना आता है, आर का वैल्यू कितना है ना 0.083 83 रेडियो में ले सकते हो, यहाँ पे 8.314 ले, 8.314 ले सकते हो। उसके बाद टेम्परेचर वैल्यू कितना 298 केल्विन, ठीक है। एफ का वैल्यू कितना 96500, तो मेरा ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, E of cell equal to E naught of cell minus 2.303 into R का वैल्यू 8.314 divide by N into 96500 log 10 cube, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा E नॉट ऑफ सेल, ये कैलकुलेट करके मुझे क्या मिलता है माइनस अप्रोक्सीमेटली कितना आता है, ये एग्जैक्टली 0.059 आता है सर, हाँ 0.059 बाय एन लॉग 10 क्यूब, ये आ गया तुम्हारा E of cell का फॉर्मूला। हाँ तो ये नोट कर लेना, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहाँ नीचे लिखता हूँ। तो यहाँ पे हम ऐसा ले सकते हैं E of cell equal to E naught of cell minus 0.059 by N log 10 क्यू, ठीक है। ये फाइनली फॉर्मूला मिल गया, एन क्या ठीक है, ये हो गया। रिएक्शन क्वेश्चन तो पता है ना, केमिकल इक्विवेलेंट में पढ़ा होगा, नहीं ऐसा मानो रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है, ए प्लस बी सी प्लस डी, क्यू इक्वल क्या लेते हैं सी डी ए बी, हाँ मतलब ये एट एनी टाइम होता है, मतलब ऐसा नहीं कि इक्विवेलेंट होगा तभी होगा, एट एनी टाइम लेते हैं जो सो रिएक्शन क्वेश्चन कहते हैं, प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंस का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम, और एट इक्विलिब्रियम लेते हैं ना उसको हम क्या इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट कहते हैं, सिंपल।